Hey guys, this is Navin Singh. So today is the Father's Day and wish you all the fathers very happy Father's Day from Portals. So basically today I'm not here to explain the meaning of father, but yes, today we will ask some questions to the fathers jahan pe they have to answer and they will be cross verified by their families, like their wives, their children, their mothers. And believe me, aap us point pe aoge jahan pe aap pure video dekhoge and somewhere you will laugh. तो देखते हैं, आइए चल। तो जसकर पहला क्वेश्चन ये है, क्या कभी आपने अपने डॉग के फेस पे फार्ट किया है? जी। किया है आपने कभी? Maybe, I don't know. Either yes or no? Yeah. Okay. So how is his reaction then? He likes it. Even. Okay. So the first question for you, Divya, is क्या कभी जसकरण ने मैक के ऊपर फार्ट किया है, मैक के फेस पे? यस। एंड हाउ वाज हिज रिएक्शन? वेट। ओके, सो आज हमारे साथ जुड़े हैं लियो और उसके डैडी रोहन। हेलो। रोहन परब। सो बेसिकली आज हम कुछ उनके लियो के डैडी से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर लियो के डैडी को देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कभी आपने अपने डॉग के फेस पे फार्ट किया है? No, never. Are you sure? हाँ, but लियो ने बहुत बार किया है हमारे फेस पे। वो तो डॉग्स करते हैं, but क्या कभी आपने किया है? No. Okay. क्या रोहन ने कभी लियो के फेस पे फार्ट किया है? No, I don't think so. He would have done it on Rohan's face, 100%, because वो हमेशा बम उधर ही रखे। ओमकार, तो फादर्स डे पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने कभी अपने डॉग के फेस पे फार्ट किया है? मैंने नहीं किया, पर इसने बहुत बार किया है। ओके, तो आपने नहीं किया बेसिकली? नहीं, लिटरली इसने चादर में आके किया हुआ फार्ट है, मेरे को वो लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा। ओके, बट आई डोंट रिमेम्बर मी फार्टिंग ऑन हिज फेस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन एकता, क्या ओमकार ने कभी इसके फेस पे फार्ट किया है? Yes, he has done that 2-3 times किया है उसने। Intentionally और intentionally हाँ, मस्ती मस्ती में किया है उसने। First question ये है कि आपने कभी the Tyson के मुंह फेस पे फार्ट किया है? Right? Okay, she guys, first question ये, क्या तुमने कभी अपने डॉग के ऊपर फार्ट किया है? नहीं। श्योर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई एक ऐसा सीक्रेट जो कि सिर्फ आपके डॉग ने देखा रहेगा। हे गाइस, बहुत बार हो जाता है, लाइक खाना पीना स्पिल हो जाता है उसके सामने, घर पे पता नहीं सकते, अरे ये गिर गया, दाल गिर गई, ये गिर गया, फिर लियो आ जाता है वो चाटने के लिए, तो ऐसे बहुत बार हो गया, पर घर पे नहीं। Okay. Okay, I know one. I always cook 5 pieces of chicken. Okay. And Rohan is very strict about his diet. Okay. तो वो करता है एक, मतलब, and we are supposed to give him 4 pieces. 4 pieces. So वो 1 piece निकाल के 4 pieces देगा, फिर 1 piece जब ऑफिस में जाएगा तब देगा. But okay. At a time will not give. So I think that I was not knowing because I cook and go, but एक बार ऐसे बोलते बोलते उसने ऐसे बोल दिया था कि this is how I do. Okay, जो कि सिर्फ उसने देखा है। Yes. बताइए। बताइए नहीं। Secret. बता रहा हूँ। It exactly you have to share it. एक कोई भी छोटा scene ऐसा कुछ भी। एक दिन ऐसा आया था, मुझे लगा था भाई मैं इसको दे दूँगा। ओके। जैसे आई कैन हैंडल इट, सब मुझे लगा था। बात रात को मैं बहुत रोया था इसके साथ, इसके साथ। अच्छा। वो बात उसी को मालूम। ओके दैट। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जब भाई साहब पॉटी वगैरह करते हैं, टट्टी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली तुमने क्लीन तो उसका ही किया ही रहेगा। तो जब भी उसको क्लीन करने के बाद तुमने हैंड वॉश नहीं किया है, तुमने ऐसे हाथ अपने कपड़े पे पोंछ लिया और कर्टन पे पोंछा? नहीं, अपने कपड़े पे पोंछा है। कर्टन पे, कर्टन पे, कर्टन पे
में कुछ नहीं है। ओके, अपने बिना हाथ धोए अपना हाथ अपने अपने कपड़े पे पोछ लिया रहेगा या फिर ऐसी कर्टेंस वगैरह वगैरह? नहीं, आई डोंट रिमेंबर। आई श्योर? या 100% श्योर। ओके, फर्स्टली आई अवॉइड क्लीनिंग ए शिट। ओके, बट अगर इफ इन केस आई डू दैट आई मेक श्योर दैट आई वॉश माय हैंड प्रॉपर्ली। ओके, वैसे तो उसने एक हाथ दो बार ही साफ किया उसका बॉडी, बट देन हाथ धोता है उसके बाद। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the one song that you want to dedicate to your dog and you have to sing it. This with my current situation I can't sing, you sing. JK aur iske beech mein aisa bol papa kehte hai bada naam kar da beta hamara aage ka nahi pata beta hamara aisa kaam karega magar ye to koi na jaane कि मेरी यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये दोस्ती टिंग टिंग नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। That's really nice. Okay, tell one thing that you don't like in your dog. सब जो किधर भी शुशु कर देते हैं यार, मम्मी मुझे डांटती है इसके लिए। So basically, ये dogs perfect तो होते नहीं हैं। नहीं नहीं, फिर भी एक एक ही बात मुझे उसकी पसंद नहीं है, जो street dogs की दूर है उसको उसके ऊपर चढ़ जाता है, बहुत खींचता है। Okay. बस और सब। हाँ, मतलब street dog दिखेगा ना तो उसका पूरा temperature high हो जाता है। जब वो बार बार शिट करता है, okay. He shits again and again, he gets very irritated. He यार कितनी बार हफ्ता है। Good boy. ये normally खाना खाने नहीं देता है हमें। खाना खाने नहीं देता है। खुद का okay. खाना खाता है और फिर हम खाते वक्त फिर आ जाता है। Okay. हमारा खाना भी चाहिए रहता है। He bites Rowan a lot. Okay, some other things. And if he takes something in his mouth, then he doesn't leave. Okay. His hyperactiveness, his energy level, that is okay. way too high. Okay. To be managed. If God gave दोनों की कौन सी चीज़ है पसंद नहीं है? उसका potty. He hates the smell of potty. उनका. हाँ, and उसका काटना. उसका बाइट करना, च्विंग करना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इफ गॉड गिव डॉग्स वन डे टू स्पीक, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू डोंट वांट योर डॉग टू टेल एनीवन? दैट वही जो यू आस्क्ड मी पैटेड ऑन हिज फेस, ही शुड नॉट टेल एनीवन। सम अदर, हाँ, जैसे कि एक बार जेके का उसने चड्डी फाड़ा था अंडरवेयर, सो इट वाज वेरी शेमफुल फॉर हिम एंड ऑब्वियसली ही वांट्स कि यार, मतलब ही वाज एक्चुअली टेलिंग मी कि यार मेरी मम्मी सामने नहीं होती तो अच्छा, मतलब माय मॉम अच्छा हुआ कि सामने नहीं है, सामने नहीं तो मेरी इज्जत उतर जाती। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो ही वांट्स कि उसकी यू नो ऑब्वियसली इट इज समथिंग पर्सनल और ऐसे सामने लेके आके ही चोर है। हर बार पे जो घर पे डांटते हैं वो सब लोग को फिर पता चल जाएगा ये घर पे कैसे बिहेव करता है। एक दो लोग को पता है, सब लोग को पता है ये घर पे क्या करता है।
don't have any actually. फटे हुए चड्डी तो मेरे पास नहीं है. ओके नहीं एक्चुअली आई डोंट एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ स्ट्राइक में स्ट्राइक आउट नहीं हो रहा है. ओके और दैट माय डैडी स्नोर्स लाउडली इन नाइट. ओके सो अगर इन केस अगर ब्रूनो को एक दिन के लिए बोलने के लिए बोला जाए तो ब्रूनो ये ब्लूपर नहीं बनाना चाहिए बाहर जाके. ये ओमकार को डर है. यस ओके ब्लूपर ना कर दे. नहीं यार सच सच में नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है. मे बी आ जाएगा फ्यूचर में. अभी टाइम है बहुत इसको. अरे देख नो वन गेट फॉर माय डैड स्लीप्स अ लॉट और जिसके वजह से मैं भी बहुत सोता हूं. ओके एंड लाइक उसके वजह से किधर भी जाओ मैं सोता हूं मेरे डैड भी सोते हैं. ओके ओके डिस्क्राइब वन वर्ड फॉर योर डॉग. वन वर्ड. हां वन वर्ड एज इन वन वर्ड में आपको आपके डॉग को ही डिस्क्राइब करना है कोई एक ऐसा वर्ड. हालांकि दैट्स नॉट ऐसा कुछ है नहीं कि डिस्क्राइब हिम एज हैंडसम. फिर एनी काइंड ऑफ वर्ड. सन. ही इज फॉर रोहन. रोहन के लिए तो ही इज लाइक अ किड. ओके आई वाज लाइक सरप्राइज्ड दैट द वे रोहन हैज एक्सेप्टेड हिम एज अ किड. सो ओके इट्स लाइक बेबी प्रिंस. ही इज अ प्रिंस. ओ बुक्कर. बुक्कड़. बुक्कड़. बुक्कड़ कुछ भी चलता है खाने को. बुक्कड़ एकदम परफेक्ट है. बुक्कड़. ओके डिस्क्राइब वन वर्ड फॉर योर डॉग. नॉटी. वेरी नॉटी. वेरी नॉटी. सर मैच को डिस्क्राइब करना है सो वन वर्ड में क्या है डिस्क्राइब करेगा. हैंडसम. वन वर्ड. यस यू हैव टू डिस्क्राइब इन योर वन वर्ड. फुल ऑफ लाइफ. इज क्यूट. ओके life. Okay, so he is life. Okay. The last question is कोई एक ऐसा आपने wrong thing किया है और then आपने blame अपने dog के ऊपर डाल दिया है. That is every time I do that. So you have to share it. Like if I threw water, I say not me. Okay, some other stories. कुछ फाड़ा गिराया तो. So ये basically मतलब आप फाड़ देते हो और फिर राम मैच के ऊपर डालते हो. ठीक है ना. कुछ कभी ऐसा गलती किया है एंड देन उसने ब्लेम मैच पे डाल दिया है ऐसा कोई. बहुत सारी जगह जैसे ही स्पिल्ड वाटर और मैंने नहीं किया मैच ने किया. फिर घर अगर मेस्ड है फुल मेस अगर अंदर का रूम बाहर का रूम एवरी डे. इनफैक्ट इट इज एवरी डे. कुछ भी किया मैंने नहीं किया मैच ने किया. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. लॉट ऑफ लिस्ट लाइक लॉन्ग लिस्ट. ओके हाँ है मुझको ऐसे लगता है कि मैंने मेरे बहन का लैपटॉप तोड़ा था. मतलब एक्चुअली क्या हुआ था उसको मैंने ऐसे बोला नहीं कि ब्रूनो ने किया है पर ही यूज्ड टू वॉक ऑन दैट लैपटॉप एंड ऑल दैट. ऐसी मतलब जमीन है तो बेसिकली चलता हूँ मैं. अरे एक्चुअली किसी ने भी नहीं तोड़ा था. शाम को आगे देखते हो उसको साइड से खुला हुआ है. गिरा नहीं दिया तो फिर उसको लगता है मैंने ही तोड़ा है. पर मैंने अपने बोला नहीं कि ब्रूनो ने किया. ओके सो बेसिकली आपके तरफ से मैंने ही तोड़ा है तो भाई ये पर मैं बोल रहा हूँ किसी ने नहीं किया. मैंने नहीं किया ये मेरे बेटे लियो ने किया है. नहीं यार सच में याद नहीं. अभी ऐसा हुआ कि कुछ भी हमारे घर पे फटा रहेगा. ओके सो द ब्लेम इज रोहन ने फट ले. सो मे बी एक दो बार ऐसे हैंडकरचीफ उसके भी हाथ से. रोहन ने गलती किया एंड ब्लेम लियो पे डाला रहेगा रोहन ने. आई डोंट थिंक सो. या फिर मुझे कभी आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ रहेगा. आई वुड हैव एक्सेप्टेड हां लियो ने खेला से वो कैटेगरी में तुम आते हो. इसने घर पे कुछ तोड़ा था पक्का याद है. इसने घर पे कुछ तोड़ा था. तुमने तोड़ा था. सॉरी मैंने मेरे हाथ से टूटा था. ओके और वो मैंने इस पे डाला था. ओके मेरे को याद नहीं आ रहा क्या तोड़ा था मैंने. ओके सो बट ऐसे कई बार हुआ है कि मैंने कुछ तोड़ दिया है एंड देन आई ब्लेम. कैसा इंसिडेंट. अगर कोई चीज उससे टूटेगी या कुछ होगा. जैसे लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ था. बेडशीट फाड़ दिया गया था. ओमकार ने फाड़ा था. ओमकार ने फाड़ा था. वाओ. ही ब्लेम ऑन ब्रूनो कि ब्रूनो ने उसको फाड़ा. ओके सो ये कभी पता चला. ये बाद में फिर मेरे को उसी ने बताया ओमकार ने कि नहीं वो ना मेरे से ही फाड़ा था करके. बट जिस टाइम पे फाड़ा गया था और जब हम लोग चिल्ला रहे थे उस पे दैट टाइम ही ब्लेम्ड ब्रूनो.
Hey guys, so how is it? Did you enjoy? I can still feel that you are still laughing. यार ऐसे fathers अगर life में हो तो यार किस चीज की कमी है? But it's all fun of part. I would like to share one poem that I have written on father. So basically it's like जिसका प्यार रह गया एक बेजुबा सा, जिसकी हार रह गई अपने ही बेटे की अधूरी ख्वाहिश, जो ये सोच के घबराता है कहीं नफरत ना हो से अपने ही वक्त से, जिंदगी यूं ही गुजरती है उसकी थोड़ी सी उम्मीद लेके, मन कठोर होगा क्योंकि उसकी आशाएं बुलंद है, अनजान है वो कि एक हंसी में जहां उसने किसी की जिंदगी ही सवार रहा है, ना सोया वो ना सोए उसकी सफल होने की किरणें, बस इसी जिंदगी की लहर को पिता का नाम दिया किस्मत ने. विश यू ऑल द वेरी हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड हिट द बेल आइकन, सो डेफिनेटली आपको ऐसे वीडियोज़ आगे भी देखने मिले. थैंक यू.